किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करेंगे टॉप ऐसे 5 ट्रैक्टरों के बारे में जो कि 50 एचपी श्रेणी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा माइलेज प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में हम 50 एचपी में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाले ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही उन ट्रैक्टरों के कुछ खास खास फीचर भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि 50 हॉर्स पावर श्रेणी में कौन से 5 ट्रैक्टर हैं जो कि देते हैं सबसे ज़्यादा माइलेज। और इस वीडियो में मैं जो जानकारी आपको बताऊंगा वो स्वयं किसान भाइयों ने मुझे दी है कि कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल खाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों पहले बात करते हैं जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाले 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर जॉन डियर 52 गियर प्रो के बारे में, जो कि जॉन डियर कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है 2940 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि 2100 रेटेड आरपीएम पर आता है और लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 180 से 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। साथ ही यह ट्रैक्टर 38% तक का बैकअप टॉर्क प्रदान कर देता है, जो कि 50 हॉर्स पावर श्रेणी में सबसे ज्यादा बैकअप टॉर्क देने वाला ट्रैक्टर यह है। ट्रांसमिशन में इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। वहीं इस ट्रैक्टर में आपको सारे फीचर देखने को मिलेंगे और इस ट्रैक्टर में आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की डीजल खपत के बारे में, जो कि किसान भाइयों ने जिन्होंने इसे लिया है उनके हिसाब से यह ट्रैक्टर फुल लोड पर 4 लीटर तक डीजल आसानी से ले जाता है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर को खाली चलाने पर तो यह ट्रैक्टर आसानी से 2.5 से 3 लीटर डीजल तक ले जाता है खाली वजन में चलाने पर। किसान भाइयों आगे बात करते हैं महिंद्रा कंपनी के महिंद्रा 585 एक्सी प्लस के बारे में, जो कि महिंद्रा कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ ट्रैक्टर है। अगर जानते हैं इस ट्रैक्टर के फीचरों के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। तो इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है महिंद्रा का 4 सिलेंडर 3037 सीसी का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन, जो कि 2100 रेटेड आरपीएम के साथ आता है और लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। वहीं यह ट्रैक्टर आपको 22 से 25% तक का बैकअप टॉर्क भी प्रदान कर देता है। वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में आपको ट्रैक्टर के अन्य सभी खास फीचर भी देखने को मिलेंगे, जिनमें पावर स्टीयरिंग, ऑयल ब्रेक आदि सभी फीचर इसमें आते हैं। और इस ट्रैक्टर में आपको 1680 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की माइलेज के बारे में तो यह ट्रैक्टर हमारे ही क्षेत्र में जब यह लॉन्च हुआ था तभी आया था। उन किसान भाइयों के हिसाब से यह ट्रैक्टर फुल लोड पर 3 से 4 लीटर तक डीजल आसानी से खा जाता है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर को खाली हम चलाते हैं रोड पर तो यह ट्रैक्टर 2 से 2.25 लीटर तक डीजल लेता है खाली चलाने पर। किसान भाइयों आगे बात करते हैं न्यू होलैंड के 3602 ऑलराउंडर के बारे में। तो यह ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का आता है और इस ट्रैक्टर में आपको न्यू होलैंड का 3 सिलेंडर 2931 सीसी का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि रोटरी और इनलाइन पंप के साथ आता है। यह ट्रैक्टर आपको 2200 रेटेड आरपीएम के साथ देखने को मिलेगा और इस ट्रैक्टर में आपको 50 हॉर्स पावर की ताकत और 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क के बारे में तो यह 25% तक का बैकअप टॉर्क भी प्रदान करता है। और अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के गियरबॉक्स के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स वाला यूजी गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा और यदि आप चाहें तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियरबॉक्स भी ले सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक मिल जाएगी और 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक भी मिल जाती है। और जानते हैं इस ट्रैक्टर के माइलेज के बारे में। किसान भाइयों माइलेज के मामले में यह ट्रैक्टर 4 से 6 लीटर तक का माइलेज प्रदान कर देता है, जिसमें आपको भारी लोड पर चलाने पर यह ट्रैक्टर 4 से 6 लीटर तक डीजल ले लेता है। और वहीं इस ट्रैक्टर को आप यदि लोड पर चलाते हैं तो यह ट्रैक्टर आसानी से 2 से 3 लीटर डीजल लेता है खाली लोड पर चलाने पर। आगे जानते हैं फार्मटेक कंपनी के फार्मटेक 50 पावर मैक्स के बारे में। यह ट्रैक्टर भी फार्मटेक कंपनी ने भी हाल ही में पावर मैक्स सीरीज के अंतर्गत लॉन्च किया है। स्पेसिफिकेशन में इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर 2931 सीसी का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 2000 इंजन रेटेड आरपीएम के साथ आता है और इस ट्रैक्टर में आपको 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला T20 गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा और यदि आप चाहें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गियरबॉक्स भी ले सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 1800 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक भी देखने को मिल जाती है और इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग, ऑयल मिस्ट, मल्टी डिस्क ब्रेक, ड्रायर क्लीनर आदि सभी फीचर भी आते हैं। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की माइलेज के बारे में तो यह ट्रैक्टर आपको 4 से 5 लीटर प्रति घंटे का माइलेज प्रदान करता है, जो कि आपको भारी ढुलाई में यह ट्रैक्टर 4 से 5 लीटर तक का तेल ले जाता है। और वहीं अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर की नॉर्मल काम में, जैसे यह ट्रैक्टर को आप फ्री चलाएंगे रोड पर तो यह ट्रैक्टर 2 से 4 लीटर तक डीजल लेता है फ्री चलाने पर। अब आगे जानते हैं पावर ट्रैक यूरो 50 के बारे में। तो यह ट्रैक्टर भी माइलेज के मामले में और प्राइस के मामले में सभी 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की श्रेणियों में सबसे बेहतर है। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे
बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको पावर ट्रैक का 3 सिलेंडर 2761 cc का नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो कि 2200 जनरेटेड RPM के साथ आता है और लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क यह ट्रैक्टर प्रदान करता है। और साथ ही में यह ट्रैक्टर आपको 22% तक का बैकअप टॉर्क भी प्रदान कर देता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के गेयरबॉक्स की, तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है और इस ट्रैक्टर में आपको 1800 किलोग्राम या 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक देखने को मिल जाती है और इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग, ऑयल मिस्ट, मल्टी डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, आइए आप जानते हैं इस ट्रैक्टर के एवरेज के बारे में। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का मुझको पर्सनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि यह ट्रैक्टर जब हमारे गांव में आया था तो इस किसान भाई का ट्रैक्टर मैंने भी चलाकर देखा था। शुरू में इनका यह ट्रैक्टर 4 लीटर तक का डीजल आसानी से ले जाता था, परंतु जब इस ट्रैक्टर की 2 से 3 सर्विसिंग हुई 3 से 3.25 लीटर डीजल ही लेता है। अगर बात करते हैं इस ट्रैक्टर के रोड पर एवरेज के बारे में, तो यह ट्रैक्टर रोड पर 1 लीटर में 10 किलोमीटर तक चला जाता है। कितने ही लोड पर ले जाने पर या आप खाली चलाएं तो उतने में भी यह चला जाएगा किसान भाइयों। और यह ट्रैक्टर एवरेज देने के साथ साथ भी जोर लगाने में भी बहुत ही माहिर ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने केवल वे ही ट्रैक्टर लिए हैं जो कि पूरे 50 हॉर्स पावर के हैं, जो कि 50 हॉर्स पावर से ऊपर या थोड़े से कम HP के आते हैं, उन ट्रैक्टरों को मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। तो आप सभी यदि उन ट्रैक्टरों का मालिक जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।